आज हम पहुंचे हैं राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत बेरला में, जहां पर हमने लोगों का रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में लोगों से जानकारी ली। ग्राम पंचायत बेरला के अंतर्गत आने वाले सभी सातों गांवों में लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम बना हुआ है। सभी लोग एक दूसरे के समारोह में शिरकत करने आते हैं। ग्राम पंचायत बेरला का यह भवन करीब 60 वर्ष पुराना पंचायत भवन है। अब पंचायत भवन नए भवन में शिफ्ट हो चुका है। ग्राम पंचायत बेरला में पिछले एक दशक में शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है तथा शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। ग्राम पंचायत बेरला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत बेरला के अंतर्गत आने वाला ठुमरेला गांव पहाड़ी के किनारे पर बसा है। ठुमरेला गांव का यह विहंगम दृश्य है। सन 2010 से लेकर 2015 तक ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर ताहिर खां की पत्नी श्रीमती रमजानी सरपंच पद पर कार्यरत रही। वहीं 2015 के चुनाव में ताहिर खां स्वयं सरपंच बने। कड़ाके की सर्दी में ठंड से बचने के लिए लोग आँच तापते रहते हैं, अलाव जला करके सर्दी को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। ग्राम पंचायत में स्थित सभी हैंडपंप सूख चुके हैं, कुओं में भी पानी खत्म हो चुका है। जल स्तर करीब 450 फीट तक पहुंच चुका है। ग्राम पंचायत बेरला में पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ, इसके बारे में आज हम सरपंच ताहिर खां से सवाल जवाब करेंगे। टॉक शो में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेरला के वर्तमान सरपंच ताहिर खां जी मौजूद है। ताहिर खां जी, टॉक शो में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपका जो जीवन परिचय है उसके बारे में और पारिवारिक जो सदस्य उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मेरे माता पिताजी हैं जी, उसके बाद में मेरा भाई है जो कृषि का कार्य करता है, और मेरी मिसेज है जो पूर्व सरपंच रमजानी है। 2010 से और 15 तक उसका कार्यकाल रहा है। मैंने समाज सेवा की थी और मेरे दो बेटे हैं, एक बीएससी कर रहा है और एक मेरे 11वीं पढ़ता है जी। तो जैसा कि जो आपका वर्तमान कार्यकाल है उससे पहले भी आपकी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत बेरला की सरपंच रह चुकी है, यानी कि आपके परिवार को लगभग 10 साल का कार्यकाल मिला है सरपंची का। तो ऐसी आप में क्या खासियत थी जिसकी बदौलत जनता ने आपको दूसरी बार भी सरपंच चुना? उसमें खास बात जनता की रही है और पांचों गांव की रही है। पांचों गांव में जो मैंने काम किए थे जी, सरपंच रमजानी थी, उसके मैंने सहयोग में सरपंच पति के रूप में मैंने काम किया था। तो मैंने एक दिल में एक ऐसा जुनून पैदा था, एक मैंने दिल में ऐसी ठानी थी कि मेरी ग्राम पंचायत का विकास बहुत डेवलपमेंट बहुत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए जी। और तेज गति से मैंने उसको रफ्तार किया। मैंने धीरे धीरे कुछ समस्या आई थी, कठिनाई आई थी, उसके बाद में मैंने रफ्तार पकड़ी। रफ्तार पकड़ने के बाद में मैंने नेता अधिकारीगण और ग्रामवासियों का सहयोग से मैंने 5 साल कार्य इतने किए कि मैंने एक एक व्यक्ति का काम, पेंशन 2010 में 13 में पेंशन बंदी थी जो गहलोत सरकार के आदेश के अनुसार जो गहलोत सरकार ने पेंशन बंदवाई थी, उस टाइम में मैंने एक एक आदमी को घर से उठाकर मैं उनको लक्ष्मणगढ़ तक लेके आया जी। और उनके मैंने यहाँ तक कि उनकी मैंने एक भी उनका पैसा निजी नहीं खर्च होने दिया। बैंकों का काम, बैंक के लिए कोई काम आया था, मैंने बैंक का व्यक्तिगत मैंने काम किया। मैंने कभी ऐसे नहीं समझा उनको कि मैं खुद सरपंच हूँ। मैंने इतनी सेवा की जनता की कि जनता के दिल में अपने आप इतने विकास कार्य, सड़क, नालियां, पानी, और मैंने बड़े बड़े विकास किए जो
पांचों गांव में चर्चा का विषय रहा और दोबारा चुनाव ओबीसी सीट आई। ओबीसी सीट आने के बाद में जनता ने दोबारा मैंने उनसे सामने रखी, सब मैंने काम किया, जनता के मेरे काम पसंद आए, तो दोबारा उसने मुझे ग्राम पंचायत बेरला में सरपंच बनाया। यानी कि जो 2010 से 2015 तक का जो आपकी श्रीमती पत्नी जो है रमजानी जी, उनका जो कार्यकाल है जिसमें आपने पूर्ण सहयोग किया था, तो वो एक श्रेष्ठ कार्यकाल रहा जिसकी बदौलत आपको जनता ने दोबारा भी मौका दिया। तो आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? मेरी ग्राम पंचायत बेरला में ग्राम बेरला आता है जी, गोहड़ी गुरु आता है, गोहड़ी प्रोहितान आता है और द्वारकपुर ठुमरेला और बेरला बास, ये रेनो विलेज में नहीं है, और एक शिकरण का बास जी, ये ठुमरेला में आता है। 2015 से और जो 2020 जो भी वर्तमान लास्ट दिसंबर 2019 चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको आपने करवाया है? कार्य तो बहुत करवाए होंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो बताए थोड़ा। मैंने ग्राम बेरला में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है जी, करीब 50-60 लाख की कीमत का है जी, और हमारे ग्राम बेरला में राजकीय पशु चिकित्सालय पहले से ही बना हुआ है जी। उसकी कुछ बिल्डिंग है पुरानी हो चुकी है, कई बार अधिकारियों ने भी अवगत कराया था कि भाई इस पर पट्टा जारी होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं थी आबादी की, इसलिए उसमें पट्टा जारी नहीं कर पाए जी। और डामरी सड़क मैंने बनवाई है बेरला हजारिया से लेकर बेरला तक जी, और बड़ा जो मैंने काम कराया है करीब 90-90 लाख की सड़क योजना कराई है महाराजपुरा से गोली गुरु तक, और मैंने इस कार्यकाल में लगभग 500-600 पेंशन बदी है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ही पूर्व जो हमारा कार्यकाल रहा है उसमें ही पेंशन पूर्ति हो चुकी, 500-600 पेंशन मैंने स्वीकृत कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम बेरला में जी। और ग्राम पंचायत बेरला में जो शौचालय जो सरकार से आए थे जी, सरकार से आए थे, लेकिन उसमें मेरा सबसे ज्यादा सेक्रेटरी पर रहा था कि घर घर शौचालय बनना चाहिए। सबसे रिकॉर्ड हमारा ये रहा जो 1500 जो शौचालय बने हैं जी, 1500 शौचालय हमने बनवाए हैं, किसी पंचायत में 200, 250, 300, 400 अधिकारियों का भी कलेक्टर साहब का भी हमारी पंचायत पे फोकस रहा है कि ये 1500 शौचालय फिर भी 10-20 शौचालय या कमी रह गई है उनको भी हम पूर्ति करेंगे, और आगे जो भी हमारी कमी है उनको हम पूर्ति करेंगे। शौचालय रहा है, सीसी सड़क, ईंट खड़ंजा, मैंने बड़े बड़े ग्रेवल रोड हैं जो 2-2, 3-3 किलोमीटर का वो बनवाए, और मेरी ग्राम पंचायत में मैंने पीएम आवास से जो स्वीकृत राशि हुई है 1.5 लाख रुपए जो स्वीकृत राशि होती है, वो लगभग 48 मैंने गरीबों को मकान स्वीकृत कराए, और 250 मकान पिछली पूर्व कार्य रहा जो उसमें 250 स्वीकृत उसने कराए थे। सबसे ज्यादा आज भी ग्राम पंचायत बेरला का 2020 में रिकॉर्ड है कि 48 हर अधिकारी ये कह रहा है, हर सरपंच ये कह रहा है कि आपकी ग्राम पंचायत में इतना क्यों है। और सरपंच भी का जो मेरा मुद्दा रहा है, मैंने एक जुनून मेरे दिल में रहा है कि कुछ नहीं, मुझे काम करना है, जनता ने मुझे काम पे के लिए दोबारा सरपंच चुना है, तो मैंने जनता के लिए ही, जनता मेरी माई बाप थी, जनता ही मेरा सब कुछ है, और जनता के लिए मैंने पूरे 5 साल उनको समर्पित किए थे, और ना ही उनको कभी लक्ष्मणगढ़ है तो लक्ष्मणगढ़ फोन से सबसे सुविधाओं से मैंने उनको कोई परेशान नहीं किया। बाकी तो शमशान घाटों में 3 सेट 4 दीवारी मैंने लगभग पूर्ण सब कर चुके हैं जी। सातों गांव में जो शमशान घाट थी, चाहे वो कोई भी समाज की हो, राजपूत हो, यादव समाज हो, एससी समाज हो, खाती समाज हो, खटीक समाज हो, लगभग सारी समाज कर दी। ग्राम पंचायत बेरला में एक कब्रिस्तान आती है जो घोड़ी गुरु में आता है, वो कब्रिस्तान की 4 दीवारी मैंने राज्यसभा से की थी। प्रथम मैं जो रमजानी पूर्व सरपंच रही थी 5 साल पहले जी, उसमें भी मेरा पानी का मुद्दा था, और दोबारा जब चुनाव जीता मैं, तो मैंने मेरे एक ही मन में ठानी कि मैंने ग्राम पंचायत बेरला, ग्राम बेरला से शुरुआत की पानी की, और पानी की घर घर नल योजना की मैंने उनके सामने बात रखी थी, महिलाओं के सामने जी। और महिलाओं ने मेरे ऊपर विश्वास किया, गांव में विकास की विश्वास किया, और मैंने उनको घर घर पानी, 7 गांव आते हैं, 5 गांव रहने हुए में आते हैं, 2 गांव ऐसे हैं जो हमारे बास के हैं, सिकरेन का बास और बेरला बास जी, 2 छोटे बास हैं, उनमें मैंने 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें दाबी, और लाइन दाबी मेवात योजना से, एमएलए से, जिला प्रमुख जी से, ग्राम पंचायत से, और राज्यसभा तक भी मैं विकास कार्य कराए। आज मेरी पंचायत पानी से मुक्त है, और वो सब जनता का आशीर्वाद है।
यानी कि आपकी ग्राम पंचायत में जो पेयजल समस्या है वो अब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पेयजल की आपूर्ति सभी गांव में? बिल्कुल बिल्कुल। बस राजनीति में आपने किसी को आदर्श बनाया हुआ है क्या? राजनीति में तो आदर्श मेरी जनता ही आदर्श है, जनता ही गुरु है, जनता ही माए बाप है। मैंने तो ये मेरी जनता ही गुरु मानी, जनता ही सब कुछ है, जनता ही सब कुछ है। तो कोई पार्टी भी है विशेष है क्या आपकी, किसी पार्टी में आपकी विचारधारा हो? मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ जी, और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। आपका पसंदीदा राजनेता कौन सा है? मेरा पसंदीदा राजनेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी जी। एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे नेता में एक सत बोले, सच्चाई बात कहे, और उसमें अच्छाई के हर गुण उसमें होना चाहिए, चाहे वो अपने पारिवारिक को चलाना, ग्राम पंचायत को चलाना, जो भी उसमें अच्छाई होना चाहिए, सच्चाई, सच्चा ईमानदार आदमी होना चाहिए जी। आपके कार्यकाल के दौरान आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब भी विकास कार्य आए, कहीं समस्या आई है, उनमें मैंने तो एक ही बात कही कि भाई गांव वाले जो आपस में मिलके जो बात का समाधान कर सकते हैं जी, वो उससे सब कुछ वोट भी हुई है, फैसला भी हुई है, सब कुछ उनको जनता के मिले जी। आप तो वर्तमान में सरपंच हैं और आपकी धर्मपत्नी पूर्व में सरपंच है, ऐसे में जनता की अपेक्षाएं आपकी पत्नी से भी रहती है या पूर्व सरपंच के नाते, तो जनता उनके पास भी जाती होगी कि भाई हमारा ये कार्य इस तरह से होना चाहिए, तो क्या कभी इस बात को लेकर के आप दोनों में विरोधाभास हुआ है क्या? वो चाहती है आपकी धर्मपत्नी कि नहीं ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट की किसी बिंदु को लेकर के नहीं इस तरह से काम होना चाहिए, आपका जो है तकनीकी बिंदु अलग रहता है कि नहीं इस तरह से कार्य होना चाहिए, तो इस बात को लेकर के क्या स्थिति रही कभी? विकास कार्यों पे तो मेरे और जो मेरी मिसेज थी काफी अनबन हो जाती थी कि भाई ये नहीं ऐसे नहीं, आपको ये साइन ऐसे करने हैं, किसी को परेशान नहीं करना है, और इनका ज्यादा से ज्यादा पेंशन बननी है, कोई बेचारी विधवा महिला आती है उन पर उसका ज्यादा फोकस रहता था। कि ये बार बार अपने यहाँ घर नहीं आनी चाहिए, आप रोजाना निकलते हो घर से तो आप इनका पालन हार है, इनकी पेंशन विधवा है, उन पर उसका ज्यादा ध्यान, और पानी की रोज सबसे ज्यादा मेरे से हमेशा चर्चा करती रहती थी कि भाई आप इनके लिए पानी करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कैसे आगे इनके से दोबारा मैं कोई वोट मांगने के लिए जाऊंगी, किस अधिकार से मैं वोट मांगूंगी, तो इनके लिए कुछ पानी करेंगे, तो उसकी हमेशा मेरा अनबन उसमें पूरे पिछले 5 साल में भी रही थी और आज भी वो मेरे साथ मैं मिलके चलती है। मतलब वो जनता के हक के लिए आपसे लड़ाई करती रहती है, ये जनता का कार्य है, प्राथमिकता से करना चाहिए, जनता के चक्कर नहीं लगनी चाहिए जी जी। आपकी ग्राम पंचायत बेरला में सिंचाई की क्या व्यवस्था है, जैसे कि हैंडपंप, कुएं या बोरिंग, क्या व्यवस्था है, कितने फुट पे पानी है? मेरे ग्राम पंचायत बेरला में हैंडपंप सूख गए जी, कुआं सूख गए बिल्कुल, बोरिंग जो पानी का जो नीचे जल स्तर गया है वो लगभग 400-450 के आसपास गया, 400-450 फीट गया नीचे चला गया जी, और जितनी भी मोटर जो चल रही है आज सरकारी हो, खुद कृषि की हो, चाहे वो सिंगल फेस हो, सब 450-500 के लगभग और चल रही है। तो वहाँ जो पानी है 450-500 फीट पे, वो मीठा है, खारा है, कड़वा है, किस तरह का पानी है? पानी हमारा बहुत शुद्ध है, बहुत मीठा है, लेकिन एक उसमें एक समस्या और आ रही है जी, कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में नल योजना है जी, जो 600 फुट से जो पानी आ रहा है निकल के, उसमें कुछ मुझे आगे दिक्कत ये दिख रही है, मैंने जो देखा जो मैंने सुना है गाँव में कि उससे पानी जो पीने से जो पानी पीते हैं उसमें कुछ बीमारियां की सुन रहे हैं कि जो गोड़ों में दर्द है, फ्लोराइड की जो समस्या आ रही है, तो मैं राज्य सरकार को अवगत कराऊंगा कि हमारे यहाँ कोई शुद्ध कोई आरओ या उनके लिए सीधा पानी उसमें जाए, फिर उसके शुद्धता से पानी पिया जाए, जो हमारी बीमारी नहीं बढ़े गाँव में पंचायत में, और हमारे गाँव के पानी पिए तो उसमें कोई दर्द फर्द पैर में वो नहीं रहे। आने वाले समय में क्या आप चाहते हैं कि जनता आपको आशीर्वाद दे और आप और राजनीति में आगे की ओर कदम बढ़ाए, ऐसा कुछ है मन में? हाँ, चुनाव का मन है और आने वाले चुनाव में भी मैं सीट जनरल महिला ही है, तो उसमें रमजानी को मैं मैदान में उतार रहा हूँ और उसमें जनता का आशीर्वाद रहा और आगे चुनाव में आशीर्वाद रहा जनता का, तो उसमें पहली प्राथमिकता भी महिलाओं के लिए रहेगी, क्यों महिला सीट है, महिला है, उसकी जनता और महिला उस पर रमजानी पे जो विश्वास करती है, मैं मानता हूँ कि विश्वास करती है, तो मैं उन मेरी बातों पे रमजानी अपनी बातों पे पूरे 5 साल में खरा उतरेगी,
और आगे मेरी उम्मीद है कि ये जो हमारे शमशान घाट है और ये पानी का जो मेरा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो पानी का मुद्दा है बिरला का जी, उसमें बड़ा टैंक होना चाहिए, कम से कम उसमें करोड़ों की लागत से एक बड़ा दो टैंक बने और बोरिंग से दो बोरिंग और उनकी सप्लाई उसमें जाए और दिन दिन में पानी की सप्लाई हो। जो मेरी माताएं बहने जो हैं वो रात की बजाय वो रात में परेशानी हो, दिन दिन में वो आराम से अपना काम पानी भर सके और उन वो अपना दिन में कोई काम कर सके। तो दिन दिन में मेरे पानी की प्राथमिकता है। ऐसे ही ठुमरेला में भी दिन की सप्लाई का मेरा अगला प्लान है कि मैं तीसरी बार आशीर्वाद रहा बस्ती का जनता का, तो पहला मुद्दा पानी का रहेगा और दूसरा मुद्दा मेरा नाली का रहेगा, क्योंकि पानी नहीं है तो कोई कीचड़ भी नहीं है, रोड पे भी कोई गंदगी भी नहीं है, और पानी है तो कीचड़ है, तो इसलिए कीचड़ का पानी का जो निकासी के लिए जो नाले निकालेंगे उस पे गांव वासियों की मदद से और प्रशासनिक सहयोग से उसमें नाले निकालेंगे। आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आम जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारे से रहें, प्यार प्रेम से रहें, जातिवाद पे लड़ाई नहीं करें। पंचायतों के चुनाव भी आ चुके हैं, उनमें भी आप भाईचारा से प्रचार करें, प्रसार करें, व्यक्तिगत बैठें, संपर्क करें, बाकी कोई भी झगड़ा फसाद ये नहीं होना चाहिए। बस मैं तो यही कह के मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि आगे कोई गलत संदेश नहीं जाए। तो आज हमारे साथ में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेरला के सरपंच ताहिर खांजी थे। ताहिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको।